एक्सरे तैयार हो गया है। वाह, सेम सेम बना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इज एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर साहब, अब तो आप गए। अगर आपने इस मरीज को ठीक नहीं किया ना, तो मैं आपको फ्रॉड और मर्डर के केस में 335 340 सेक्शन के तहत अंदर करवा दूंगी और 1300 साल की जेल हो जाएगी आपको। बड़ी चिंता, आपके पति हैं ये। डबल में शुर, कुछ करो भाई, कुछ करो। मैं भी करता हूँ। दुबे, पानी का एक भाग के जाके वहां से ऑक्सीजन लेके आओ। आप भी साथ जाओ, पागल है, कुछ और दे दे। हाँ, पानी लेके आओ, पानी, ऑक्सीजन। भाई मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। आप ऑपरेशन कामयाब हुआ। खड़े हो जाओ पिताजी। पिताजी ठीक हो गए? सबसे पहले किसका मुंह देखना चाहोगे? उसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, हार्ट अटैक का हुआ है। चलो पिताजी ठीक हो गए। ये कौन है? आप ही नहीं तो आपके पिताजी हैं। नहीं नहीं, लेकिन वो तो बूढ़े थे कि तो जवान है। हाँ तो दवाइयां का असर हो जाता है। सर्जरी भी बहुत बड़ी थी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? शक्ल भी अलग है। अरे पहले पहले पिता की शक्ल कितनी गंदी थी, ये देखो कितना हैंडसम दिया हमने। बाल भी काले कर दिए हमने, देखो। ठीक तो है, क्यों भी पिताजी कैसे फील कर रहे हो? He's feeling nice. नहीं 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 नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है। अरे अरे दिमाग खराब हो गया, अपने बाप को नहीं पहचान रहे हो? अरे मेरे पिताजी तो सिंधी थे, ये तो भोजपुरी बोल रहा है। देखिए मैंने जो इनको इंजेक्शन दिया ना, वो मेड इन कानपुर था, तो इसलिए भोजपुरी बोल रहे। दो चार दिन रखो, बोल बोल के ठीक हो जाएंगे। ले जाइए आप। अरे बेटा तुम्हारी माँ की याद आ रही है, चलो बाहर घर चलो। तेज मैडम, देखा मैडम, जीवन का कल्याण करते हैं हम, ऐसे ही वर्क करते हैं, ऐसे ही हम लोगों में खुशियां बांटते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मान गए आपकी पार्क की नजर और डॉक्टर मशहूर दोनों को। भाई मैंने सोचा था पहले कि आप बहुत ही टुच्चे लोग हैं, बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही फट्टू है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप तो कमाल के हैं। लाइए लाइए, मुझे जल्दी लेट हो रहा है, वेरिफिकेशन पेपर साइन कर दीजिए। यहाँ पे ये साइन कर दीजिए। बहुत अच्छे, आप कभी कोई बीमार हो इधर मरने के लिए भेज देना। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। चलिए बाय, चलती हूँ। बाय। डॉक्टर साहब आपका तो काम हो गया, अब हमारे पैसे निकालिए। कोई बात नहीं, पैसे भी आ जाएंगे। पहले ये बताओ भी लाश का क्या करना है? मेरे तो किसी काम की नहीं, आप रख लो। मेरे भी किसी काम की नहीं, आप लोग रख लीजिए। बेटा हाँ जी बताइए, क्या कर सकते हैं? पाजी, आज हमारे बीच में वो आने वाली हैं जिनके लिए आपने कई दिनों से सोच के रखा था कि वो आएंगी तो मैं ये बोलूंगा, वो आएंगी तो मैं ये बोलूंगा। मैं सच में बुला रहा हूँ उनको। तभी तेरी चेहरे पे ज्यादा चमक है आज। मेरे तो रहती पाजी, मैं आई कांट हेल्प इट ब्रो। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इन्वाइट करना चाहूंगा बॉलीवुड की हसीना, द ब्यूटीफुल रैविशिंग रवीना। I'm so excited, man. I know, तुम जप्पी मारने का चांस नहीं छोड़ते हो। नहीं, बीच-बीच में करते रहेंगे 5-5 मिनट बाद। मेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं चार्ज रहता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें भी तारीफ कर लें दे। नजर में शोखियाँ जिसकी अदाएं कमाल है, क्यों भाई, है कि नहीं है? है जुल्फ जैसे काली रात, गालों का रंग जैसे गुलाल है। अल्फाज नहीं है मेरे पास मोहतरमा, क्या तारीफ करूं। हुस्न, अदाकारी और इंसानियत का ऐसा मिश्रण है कि कमाल है, कमाल है यारो, धमाल है। सर वाकई में दिल छू गया ये आपके जो शायरी थी, क्योंकि मैंने देखा है सब हीरोइनों की आप खूबसूरती की तारीफ करते ही हैं, लेकिन सबसे प्यारी बात आपने जो कही वो इंसानियत के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैं मानता हूँ, genuinely मानता हूँ। तो रवीना आप सिद्धू जी के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आके विराजमान हो जाइए, ताकि वो भी इधर उधर ना देखें और हमारा भी दिल लगा रहे। जोरदार तालियां हो जाए रवीना के लिए। कसम से आज बड़ा मजा आ रहा है, आप आई हैं तो मुझे पता था आप एक दिन मुझसे मिलने जरूर आएंगी। चलिए शायद मैं आपके लिए नहीं आई हूँ आज। Then for whom you, मतलब मैं आज अपने बच्चों की वजह से आई हूँ। ओके तुम्हारी वजह से नहीं। रियली यू आर हर्टिंग मी। वेयर?
From the depth of my heart, you are hurting me. You are puncturing my heart. यार अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोल लेता है ये. कहाँ सीखा puncturing? I need to get my. I will tell you later. एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ. रवीना के लिए पहले जोरदार ताली होने, मैं बताऊंगा बाद में क्यों. अब और जोर से होनी चाहिए. इन्होंने आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं. जैसे बड़ी सारी एक्ट्रेसेस होती है ना बाजी, कि बड़ी बड़ी हिट फिल्में करने के लिए पहचानी जाती हैं. हाँ. ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में करने के लिए पहचानी तो जाती हैं, साथ में ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में छोड़ने के लिए भी जानी जाती हैं. हाँ, विरासत, गुप्त, कुछ कुछ होता है, डर, आपने सारी फिल्में छोड़ी हैं आपने. तो जब ये कुछ कुछ होता हिट हो गई, आपको लगा नहीं कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो कुछ कुछ गलत हो गया? नहीं, मैंने उस तौर पे मैंने ये सोचा कि इंडस्ट्री को नई हीरोइनों की जरूरत है, सबको चांस देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए. सो देन आई गेव द इंडस्ट्री रानी मुखर्जी. वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. अक्षय पाजी को छोड़ के बाकी सब एक्टर्स एक दो फिल्में साल की कर ही लेते हैं. हाँ. रवीना एक इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 1994 में 9 फिल्में रिलीज हुई इनकी. एक अकेला इंसान इतनी फिल्में कैसे कर सकता है? आप अकेली थी या आपके अपनी कजन सिस्टर वगैरह को अपने जैसा मेकअप करके भेजा था? जुड़वा, जुड़वा. हाउ इट हैपन, हाउ इट हैपन दैट उस समय देखो ये मेथड एक्टिंग वगैरह थी नहीं, रोल तो एक ही था, वो रिच ब्रैट, रिच फादर, गरीब लड़के से प्यार, सॉरी रिच गर्ल, गरीब लड़के से प्यार. तो रोल तो एक ही था, खाली कॉस्ट्यूम बदल जाता था, एक्टिंग तो वही करनी थी. नहीं पापा, नहीं छोड़ दो इसे, इसे गोली मत मारो, मैं इसी को प्यार करती हूँ, मैं जाके झोपड़े में रह लूंगी. अच्छा, आपने भी फिल्मों में भले गरीब लड़कों से प्यार किया हो, रियल में शादी तो आपने बिलियनेयर से की है. वो निशाना था हमारा था. अच्छा, आपकी जो 9 फिल्में आई है 1994 में, आपको याद है वो 9 फिल्में? नहीं. कोई 6? नहीं. कोई 3? हाँ बताओ फटाफट. मोरा, हाँ, इम्तिहान, दिलवाले. ठीक है, मैं आपसे फटाफट कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है. ठीक है. सनी देओल, सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, इन सब में से सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ आता था काम करने का? संजय दत्त. अच्छा, इन सब में से बेस्ट डांसर कौन है, सलमान खान, सनी देओल या सुनील शेट्टी? सनी देओल. यार अगर कभी भी ग्राउंड पिच को लेवलिंग करनी है ना आपको, हाँ. स्टीम रोलर की जरूरत नहीं है. सनी देओल जी और मुझे बुला लीजिए डांस करने के लिए, हम लोग करने. अच्छा, आजकल जितने भी लड़के नए फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है या शाहिद कपूर है, कौन आपको बेस्ट लगता है, हॉट कौन लगता है? या फिर एक और नया लड़का है, बड़ी ग्रेट ओपनिंग लगी थी, कपिल शर्मा. मैंने सुना एक बार रणवीर सिंह को आपने अपने सेट से निकलवा दिया था. अरे नो नो, इज अ वेरी स्वीट, ही इज अ फ्रेंड, ही इज वेरी स्वीट, बट उस समय मैं उनको जानती नहीं थी और हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एक रेन सॉन्ग था, रेन सीक्वेंस टाइप. तो वैसे भी सेट पे हम लोग गेस्ट अलाउ नहीं करते हैं दैट टाइम, बिकॉज इट्स यू नो थोड़े इंटीमेट सीन्स होते हैं, ये वो थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट होता है. कैमरामैन तो होते हैं, कैमरा ऑन करके चले जाते हैं. आप आपका एक मिनट क्लोजअप दीजिए, अब मैं जो बोलूं वैसे आप कीजिए जी. आप जरा ऐसे कैमरा में ऐसे बैठिए, ओके, थोड़ी जबान निकालिए बाहर, आंखें फाड़िए, आंखें फाड़िए, जबान और बाहर आनी चाहिए. रणवीर का ये एक्सप्रेशन था. पाजी, एक तो रवीना टंडन, ऊपर से बारिश में भीग रही हूं, तो कोई भी होता उसकी जुबान बाहर आ जाती. अच्छा, रवीना ने बहुत सारी कमर्शियल हिट्स तो की हैं, बहुत सारी सीरियस फिल्में भी की हैं जिनके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, और हाल ही में इन्होंने एक और फिल्म की है मात्र. तो रवीना, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ये किस इशू पे ऊपर है ये फिल्म? देखिए, वैसे फिल्में काफ़ी ऑफर होती हैं, बट आई लाइक टू डू फिल्म्स व्हिच आर क्लोज टू माय हार्ट, जो जिस कॉज के लिए मैं बिलीव करती हूँ. एंड आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन हमारे देश में नहीं, ग्लोबली बढ़ता जा रहा है. तो ये फिल्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रेप्स दैट हैपेंड इन दिल्ली. रवीना बहुत सारे सोशल काम जो हैं, बड़े सारे काम ऐसे करती रहती हैं, और ये जान के अच्छा भी लगा कि आप जो फिल्म भी कर रही हैं ये भी एक बड़े अच्छे मैसेज के लिए कर रही हैं, और उम्मीद है कि इससे हमारा देश बदलेगा. होप फॉर द बेस्ट.
Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates